हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी बतुल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने पुराने दुपट्टे को रीयूज करना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स डू इट। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना कोई भी पुराना दुपट्टा लेंगे, उसे हम टू फोल्ड करेंगे। उसके बाद जहाँ से साइड ओपन है वहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में इसे फोल्ड करेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। उसके बाद जो बाकी का स्क्वायर पीस है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से क्रॉस में से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। जो साइड ओपन है वहाँ से आपको मेजरमेंट नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट का नाप है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे वेस्ट का जो नाप है वो है 32। 32 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया है यानी कि 8, और 8 में हमें प्लस 1 कर लेना है यानी कि 9। सो हमारा फाइनल मेजरमेंट है वो है 9 इंच। और इसी तरह से मेजरमेंट लेकर हम इस तरह से क्रॉस में इसे कट कर लेंगे। फिर हम दोनों पीस को इस तरह से ओपन कर लेंगे। दोनों पीस को इस तरह से हमें रखना है और दोनों पीस के साथ में हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हम 2 स्ट्रिप को कट करेंगे जिसकी लेंथ है 20 इंचेस और विथ है 4 इंचेस। उन दोनों स्ट्रिप को बीच में से ज्वाइन कर हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। उसके बाद वी नीड 1 इलास्टिक, और इलास्टिक की जो लेंथ है वो है 28 इंचेस। जो भी आपका वेस्ट का साइज है उससे 4 इंच कम आप इलास्टिक का साइज ले सकते हैं। इस तरह से स्कर्ट के ऊपर बेल्ट को रखकर हमें बेल्ट को स्कर्ट के साथ जॉइन कर लेना है। सबसे पहले जो बेल्ट है उसकी दोनों साइड से हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद स्कर्ट के ऊपर इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है।
और पूरे राउंड शेप में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद स्कर्ट में बेल्ट को हमें साइड में से जॉइंट नहीं करना है। उसके बाद इस तरह से बेल्ट को हम अंदर की साइड पे फोल्ड कर उसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा बेल्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इलास्टिक की दोनों साइड पे हम सिलाई कर लेंगे। जहाँ पे बेल्ट में हमें साइड में सिलाई नहीं की थी वहाँ भी हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ है 5 इंचेस और लेंथ है 16 इंचेस। और जहाँ से हमने इसे कट किया है वो तीनों साइड पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पे इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। और इसके सेंटर में हम धागे से इसे बांध लेंगे। उसके बाद स्कर्ट में जहाँ पर भी हमने नीचे से उसे कट किया है उन सभी जगह पर इस तरह से हम इसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने बेल्ट को फोल्ड किया है वहाँ पर इस तरह से हम फ्लावर को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे आप कोई भी फैंसी स्टोन बटन या कुछ भी लगा सकते हो। और हियर इट इज, हमारा ब्यूटीफुल स्कर्ट बिल्कुल रेडी है। If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.